एनसीईआरटी चैप्टर वन क्लास ट्वेल्थ चैप्टर वन का क्वेश्चन नंबर सेवन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले उसी क्वेश्चंस को मैं देखता हूँ। आइए देखिए, क्वेश्चन है 7.1.7 में दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो ए और बी पार्ट में, दो क्वेश्चन दो पार्ट में बटे हुए हैं। ए जो है कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स इज कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज फील्ड लाइन्स कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, वाई नॉट? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक कंटिन्यूस कर्व होता है, ये जो फील्ड लाइन्स होती हैं कहीं पे भी ब्रेक नहीं होती, कहीं पे रैंडम ब्रेक नहीं होती, कहीं सडन ब्रेक नहीं होती, ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये क्यों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती हैं, क्रॉस करती हैं। तो आइए मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहला जो हमारे पास है कि कंटिन्यूस कर्व होता है, उसके लिए देख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिक्रीजेस कंटिन्यूसली विद डिस्टेंस एंड बिकम्स जीरो। तो चार्ज डिक्रीजेज, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक चार्ज की डिक्रीजेज होती है, जैसे जैसे उसकी जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है। जी हाँ, डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे मान लो कि आपकी चार्ज बॉडी, यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज बॉडी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो फील्ड लाइन थोड़ी वीक होती चली जाती है हर डायरेक्शन में, इसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो डिक्रीज होगा, और अल्टीमेटली इनफाइनाइट पे ये जो फील्ड लाइन्स होती हैं इनफाइनाइट पे वो जीरो मानी जाती हैं। सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दे आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट ब्रेक्स। ये आपको अपने आंसर में लिखना है। सबसे पहली चीज आपको मेंशन करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वीक होगी लेकिन कहीं पे ब्रेक नहीं होगी, राइट? दूसरी चीज आपको लिखनी है कि इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी पे ये जीरो होती है। और तीसरी चीज जो आपको लिखनी है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स को और वो कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस कर्व होती है बिना ब्रेक हुए हुए, तो इस तरह से ये पहले क्वेश्चंस का, पहले पार्ट का आंसर है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन जो है आपके पास, मैं क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूँ, दूसरा पोर्शन जो क्वेश्चन का है वो ये है कि एक्सप्लेन वाई टू लाइन फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, क्यों नहीं क्रॉस होती है किसी पॉइंट पे। तो मैंने दो फील्ड लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये मान लो ये फर्स्ट फील्ड लाइन्स है, ये सेकेंड वाली फील्ड लाइन्स है, और इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ये फर्स्ट टेंजेंट है और ये सेकेंड टेंजेंट है। मैंने मान लिया कि ये एक दूसरे को क्रॉस करता है, ठीक है? सबसे पहले यही कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हो एक ओ पॉइंट हमने लिया है जहां पे कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो इसके दो डायरेक्शन होंगी, एक टी वन की जो टेंजेंट है, एक टी टू की। ये टी वन और टी टू जो है ये एक टेंजेंट लाइन है, तो दो डायरेक्शन है इसकी, राइट? अब जो दो डायरेक्शन है तो इसका मतलब है कि किसी फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकती। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा एक फील्ड लाइंस की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, दो डायरेक्शन इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1.7 भी हमारा फाइनल हो जाता है।